धनबाद में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बागमारा विधायक ढुलू महतो को बनाया गया, इसे लेकर विरोध भी हो रहा है। इसे लेकर मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष को समाज के लेटर पेड में प्रत्याशी को बदलने को लेकर पत्र लिखा था। पत्र के बाद धनबाद में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इसे लेकर मारवाड़ी सम्मेलन की बैठक अग्रसेन भवन में कृष्णा अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मारवाड़ी समाज ने अध्यक्ष के बात से किनारा कर लिया है। बताया जाता है कि बैठक में इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ। बैठक के बाद मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने अपना बयान सार्वजनिक किया। कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो को धनबाद लोकसभा से बदलने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लिखा गया पत्र उनका व्यक्तिगत विचार था। पत्र में कहीं भी समाज के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन समाज के लेटर पेड का उपयोग किया था। कृष्णा अग्रवाल अपने पत्र के बयान से मुकर गए हैं। वहीं पत्र सार्वजनिक होने पर के बाद निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। क्या निर्णय ले गया? एक आपने एक पत्र लिखा था जो काफी वायरल हुआ है, तो आज समाज द्वारा बैठक की गई, तो क्या डिसीजन हुआ उसमें? आज अग्रसेन भवन में धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मैंने की है और बैठक पे आज मूल जो विषय था वो कल जो मैंने पत्र लिखा था वो इस पर हम लोगों ने आपस में चर्चा की है। एक विषय आ गया कि वो जो लेटर था वो मेरा व्यक्तिगत विचार था और उस लेटर में हमने कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया था कि ये मारवाड़ी सम्मेलन के बैठक में निर्णय लिया गया है। हमने जरूर पैड इस्तेमाल किया है अपने सम्मेलन का, लेकिन वो विचार हमारा व्यक्तिगत था। बस।